जैसे आप मुझे जानते मेरे चैनल टेक्निकल लवली मेरे चैनल दूसरा स्विमिंग बाय मनी जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज अभी मैं शूट करने वाला हूँ सतिंदर सरताज जी जो कि गीता जयंती के मेले में आया है, तो ये बैक आप देख सकते हो ऑडियंस पीछे कितनी ऑडियंस आई हुई है, ये चेक कर सकते हो, ये भाई ने मुझे सपोर्ट दिया है, ये आप चेक कर सकते हो, ओवरऑल पीछे चेक कर सकते हो, काफ़ी गैदरिंग में आई हुई है ऑडियंस, ठीक है, और ये चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी ये सेटअप चल रहा है, ठीक है, तो मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाऊंगा, एक बार मैं आपको बैक सारी गैदरिंग दिखा देता हूँ कितनी ऑडियंस आई है, तो चलो एक बार सारी दिखा देता हूँ। ये भाई ने मुझे सपोर्ट किया हूँ, ओवरऑल सा काफ़ी आई हुई है। अभी स्टेज पे जो सेटअप चल रहा है इनका मैं आपको थोड़ा फोकस करके दिखा देता हूँ, मैं काफ़ी पीछे बैठा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना, थोड़ा ब्लर आएगा, ठीक है, ठीक है। अभी ये सतिंदर सरताज जी है, ये आप फोकस कर रहा हूँ, अभी जब लाइटिंग चल पड़ेगी तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद कि अपने साथ बैठने के लिए जगह दी, और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है भैया का, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया अपना नाम बताना। जिया लाल भैया, भैया ने मुझे पूरी सपोर्ट दी, बाकी इन्होंने भी सपोर्ट दी है, मुझे बैठने के लिए थोड़ी जगह बताई, और जहाँ बैठने के लिए बिल्कुल ही जगह नहीं है, बल्कि खड़े रहना तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है, और पीछे काफ़ी सपोर्ट है, बल्कि काफ़ी सपोर्ट कह रहा हूँ, काफ़ी गैदरिंग है, पीछे काफ़ी भीड़ है, और हाँ अगर इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो मैं बैकग्राउंड से म्यूज़िक बंद कर दूंगा, और जितने में आएगी तो मैं पीछे म्यूज़िक लगा दूँगा। तो अभी शो स्टार्ट होने वाला है, तो अगर सतिंदर सरताज जी को देखना है तो बने रहे मेरे चैनल के साथ, और अगर वीडियो चले लाइक कर देना, और हाँ आज ये खड़े होने देख रहे हैं, ये भाई भी कुछ बोल रहा है, नहीं लाइव नहीं है भाई, ये बाद में आएगी वीडियो, कल आज रात को या कल आएगी। स्विमिंग बॉय मनी भाई नाम लिखा हुआ है, सारी चीज़ देख लो, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, कोशिश करूंगा छोटी सी। बहुत शोर पड़ रहा है, पर इधर है क्या पता नहीं है, आप चेक कर सकते हो अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इधर से, ठीक है, पर अभी कुछ दिख नहीं रहा, पर इधर सारी ऑडियंस खड़ी है, ये चेक कर सकते हो, सारी की सारी खड़ी है। बहुत ऑडियंस खड़ी है, मैं बैक कैमरे से भी दिखा लो, इधर से कोई आ रहा है, एंट्री हो रही है, पहले सतिंदर सरताज जी की हो रही है, किनकी हो रही है, और अभी आप चेक कर सकते हो, इधर सारे खड़े हो गए शोर कर रहे हैं। तो अभी स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स, अगर आपने देखना है तो आप मुझे पता, आप ये चीज़ को स्किप कर दोगे, पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं बाहर आ गया क्योंकि अंदर क्लियर दिख नहीं रहा था, और क्लियर ऐसे में शूट कर भी लेता है इतना मेहनत करने के बावजूद, उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक तो कन्फर्मली थी, आनी थी। अभी मैं डिस्प्ले पे बाहर लगाया, वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद बस उसके बाद कुछ भी नहीं, अभी यहाँ पर डिस्प्ले लगी है, ये ज़्यादा बेटर दिखा रही है, अंदर से अंदर बिल्कुल कुछ नहीं नज़र आ रहा, इतनी ज़्यादा भीड़ है, मैं ऑडियंस दिखाई है, ठीक है, और जहाँ पे मैं बैठा था वहाँ पे भी आगे आ गए थे, मैं आपको इधर भीड़ कितनी सी वो मैंने दिखा दी थी, अभी मैं आपको जो ब्रह्मसोवर के अंदर डिस्प्ले लगी है, जो स्क्रीन लगी है, वो आपको दिखा दूँगा, ठीक है, तो वो दिखा दूँगा, और हाँ अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो कैसी लगेगी मुझे बता देना। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं शूट कर भी लेता, और मुझे यहाँ तक पता है कि 90% तक कॉपीराइट स्ट्राइक आना था, क्योंकि इन्होंने साईं जो सॉन्ग गा रहे हैं वही सेम म्यूज़िक है, क्योंकि मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, एक सिंगर आया था जिसकी मैंने वीडियो शूट की थी, और इतनी मेहनत के बाद मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया था, और वो हरियाणवी थे, तो ये तो फिर भी बहुत बड़े स्टार हैं, बल्कि सतिंदर सरताज जी, तो इनकी कॉपीराइट स्ट्राइक पक्का कन्फर्मली है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आनी ही आनी है, तो इसलिए मैंने उसको बाहर आ गया मैं, ठीक है, जो उनकी म्यूज़िक आ रहा है, ए टू जेड म्यूज़िक आ रहा है साईं का, सेम वही है, और मुझे
तीसरी कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया ये गाना मुझे याद नहीं है, पर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक कन्फर्मली था, पर अब नहीं आएगा। अब जो भी ऑडियंस बीच में आई है, आई होप कि वो आप आए हो तो आप देख सकते हो। अभी मैं आपको डिस्प्ले दिखाने वाला हूँ, डिस्प्ले जो अंदर लगी है, बाहर दो डिस्प्ले लगी है, एक शौचालय के ऊपर गई। ये भाई बिलारा भाग भाग के गया आगे तो बाहर आ गया। अब सुंदर सरताज जी हर एक मतलब कि पूरे ब्रह्मसौर में चारों कोनों पर लगी हुई है और जो डिस्प्ले लगी हुई है, ये पार्ट मेरा आप 4 देख रहे हो, ठीक है ये भी एतवार ही है ये भी संडे ही है, पर सुबह 3-4 बजे आया था मैं, बस सुबह से वीडियो बनाने लगा हूँ, 3-4 बजे आया था, पर कॉपीराइट स्ट्राइक से मैं बच गया, नहीं तो इतनी मेहनत तो मेरी ख़राब ही जाती। हाँ आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास VIP पास भी था, इसमें दो पास थे, एक ब्लू वाला एक रेड वाला, पर मेरे पास ब्लू वाला पास था, ये VIP पास था मेरे पास, ठीक है। और इसमें एंट्री थी पर फ़ायदा नहीं था, कॉपीराइट स्ट्राइक तो कन्फर्मली थी, और दूसरी बात की फुल हो चुका था, इतना फुल हो चुका था कि VIP भी एंट्री बंद हो चुकी थी, कह रहे थे आप लेट हो गए, तो बस हम क्या लेट हो गए, ठीक है हम लेट हो गए, हमें कौन सा इतनी बड़ी लगी हुई है। आपको सतिंदर सरताज जी दिखाएंगे जरूर LED पे, उसी साइड जहाँ पे सतिंदर सरताज जी लगे हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको दिख भी रही होगी, ये डिस्प्ले लगी हुई है, ये नुक्कड़ पे ये लगी हुई है, इसके एकदम पास जाके दिखाऊंगा आपको, एकदम क्लियर दिखेगी, मतलब कि जो अंदर से देख रहे हो ना उससे 10 गुना ज़्यादा बेटर बाहर है, ठीक है। बस ये है कि अंदर आपको हॉल का फील होगा, मतलब कि थोड़ा अच्छा लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, बाहर ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो बाहर से ही दिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, और इस पर मुझे कोई ख़तरा नहीं है, इस पर जो आप आए हो, जो आपने हुटिंग की है, वो सारी रिकॉर्ड हुई है। तो बस ये मेरी लास्ट शूट है, उसके बाद देख कल आएगा, कल में मैं आपको शायद शॉप्स दिखाऊंगा, ओवरऑल जितनी भी शॉप्स है सारी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम आगे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं, ठीक है। तो हाय हाय थक गया मैं बहुत थक चुका हूँ, पता है आपको, सुबह का मेहनत करने लगा हूँ, इसी खुशी में लाइक तो करता है जी, देखो मेला एंजॉय हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे मेला एंजॉय कर रहे हैं, और मैं आपको डिस्प्ले दिखाऊंगा, सतिंदर सरताज जी आ गए हैं, ठीक है। और ये अभी इन्होंने साइंस से शुरुआत किया, और ये व्हाट्सअप सॉन्ग भी गाएंगे शर्तैया, मेरे लगता है जो इनके लेटेस्ट सॉन्ग आया वो भी गाएंगे। तो अभी जो हरियाणवी में क्या हुआ था आप देख सकते हो मेरी वीडियो, वो डे 13 है, ठीक है, डे 13 पता नहीं 14 में बीच में हरियाणवी सॉन्ग, हरियाणवी सिंगर है जो सॉन्ग गा रहा है, उसके बैकग्राउंड का जो म्यूज़िक है वो गैप कर दिया है, उड़ा दिया गया है, वो इसलिए उड़ाया गया क्योंकि वहाँ कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी थी, और मैंने सारा कवर किया ही है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, बाकी मैंने बहुत मेहनत लगती है यार कवर करने में, 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं सिर्फ वीडियो बनाने में, उसके बाद एडिटिंग करने में 4-5 घंटे लग जाते हैं, तो इतना लाइक तो बनते ही। वैसे आज की जो पार्ट बनाया मैंने थोड़ा अलग बनाया, थोड़ा स्पेशल भी बनाया, और कोशिश किया कि आपको गीता जयंती का पूरा आनंद आए। और अब सतिंदर सरताज जी दिखाऊंगा मैं, वो चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पूरी दिखाऊंगा, क्लियर दिखाऊंगा, एकदम क्लियर जी, मैं एकदम से, अरे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा मैं अगर ज़्यादा पास में गया तो, अगर मैं वहाँ शूट करता हूँ ऐसे शूट आता है, तो ये काफ़ी बढ़िया अभी चल रहा है, ठीक है। अगर मैं पास में गया ना तो सॉन्ग चल रहा है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा ये देख सकते हो, क्योंकि कैमरा सही शूट करता ना अपना, तो फिर नीचे भीड़ भी देख सकते हो, नीचे यहाँ खड़े होकर भी देखते हैं, और ये आप देख सकते हो यहीं से थोड़ा पास जाता हूँ, अगर मैं पास गया तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, और कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई तो मैं बैकग्राउंड से म्यूज़िक हटा दूँगा, और म्यूज़िक हटा दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो फ्रेंड्स अभी ये सॉन्ग चल रहा है, तेरे जही आज़ादी कोई नहीं फिर कोई नहीं, वो वैसा सॉन्ग चल रहा है, और मैं इसको पूरा क्लियर नहीं, अगर क्लियर कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा देखेगा और मुझे पास जाना पड़ेगा, और अगर मैं पास गया तो कॉपीराइट स्ट्राइक, मैं बैकग्राउंड में म्यूज़िक बंद कर दूंगा, ठीक है। तो अगर जैसे क्लियर आया म्यूज़िक नाली कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, एक मिनट अब देखो तो फ्रेंड्स नीचे लगा हुआ स्पीकर, ठीक है, अगर मैं उसको थोड़ा सा भी आपको क्लियर सुन गया तो शायद कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, पर आई होप कि आपको अच्छा लगा, अगर आपने लाइव सुना है या देखा है तो आपके लिए तो क्या नज़ारे हैं। पीछे LED पे चले हुए सतिंदर सरताज जी, वैसे मैं हॉल में था, हॉल में मैंने आपको स्टार्टिंग का पार्ट दिखा दिया है,
अगर मैं और ज़्यादा कवर करता तो जैसे ये अभी सिंग कर रहे हैं तो शायद इसी के पीछे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। अगर आ गया तो मेरी आपको लिपसिंग नहीं मिलेगी, इसमें बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा होगा, क्योंकि 90% चांसेस है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, क्योंकि अगर साउंड क्लियर आ रही है ना तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मुझे शूट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, और क्योंकि अगर आपने मेरे पार्ट 14 या 13 देखोगे तो उसमें भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। रीज़न क्या था कि उसमें हरियाणवी कोई सिंगर था जो गा रहा था, और उसमें उसके मतलब कि खुद सिंगिंग पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आया। तो अभी लाइटिंग शो चल रहा है, और आज के लिए इतने काफ़ी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपने देखनी है तो मैं आपको सलाह दूंगा, या तो आप VIP पास लेके पहले सिटिंग में बैठ जाओ, तब फायदा है। एक घंटा डेढ़ घंटा पहले जाके बैठ जाओ, एंट्री करके सही जगह पे बैठ जाओ, एक घंटा पहले जाके आप बैठ जाओ, ठीक है। वैसे अब तो ख़त्म हो गया आज की गीता जयंती, बल्कि जो VIP थी ओवरऑल सबकी एंट्री हो चुकी है, और आज लास्ट थी। और कल जो है कल मेला लगा रहेगा, प्रदर्शनियाँ कम हो जाएंगी, ठीक है, बल्कि आएंगे ये करेंगे, पर ओवरऑल सारी प्रदर्शनियाँ होगी। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, आई होप कि आपको बढ़िया लगी है। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ कि एक चीज़ बता देता हूँ कि ओवरऑल मैंने पूरे इसमें क्या क्या खाया है। मैंने एक तो पकौड़े खाए जो मुझे अच्छे लगे, एक फ़ोटो अच्छी लगी, और अभी जो जब भूख लगी थी मैंने एक हॉट डॉग और एक बर्गर खाया, वो भी काफ़ी बढ़िया लगा, ठीक है। और पॉपकॉर्न खाए थे, ठीक है। पॉपकॉर्न तो वैसे होते ही अच्छे हैं, सबके पॉपकॉर्न एक जैसे होते हैं, पर जो मैंने बर्गर खाया और हॉट डॉग खाया ना, वो भी बढ़िया था। मैं दिखाऊंगा पर लेते भीष्म की शिक्षा, शॉप कौन सी दिखाऊंगा। तो चलो पहले शॉप दिखा, जरूर बताना कि मुझे आपको कौन सी चीज़ बढ़िया लगी यहाँ पर में खाने में। मैंने वैसे ओवरऑल सब कुछ खाया यहाँ पे, नमकीन भी खाया और बेर भी खाया। बेर तो मैं रोज़ खा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है, इसलिए नहीं कि टेस्ट लग रहा है, इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि जो बेरीज होती है वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी होती है, और जो जहाँ के बेर होते हैं वो थोड़े ऐसे होते हैं, पर होते अच्छे हैं, बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे लगी थी भूख ज़बरदस्त वाली। उस बर्गर की खासियत बताता हूँ, मैकडी से ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि मैकडी का बर्गर सूखा सूखा होता है, ठंडा होता है। वहाँ का बर्गर खाया मैंने, गर्मा गर्म बर्गर और हॉट डॉग, ठीक है। हॉट डॉग जो खाया ना, हॉट डॉग था गर्म और बर्गर भी गर्म करके दिया था, और फुल स्टफिंग थी। मेन खास उसकी यही लगी कि उसकी जो स्टफिंग थी वो फुल थी। वैसे मैं सही ओपिनियन देता हूँ, गलत ओपिनियन नहीं देता, ठीक है। जैसे कि मैंने बड़ा में मुझे सबसे बढ़िया वो पकौड़े लगे थे ना, वो बाकी बड़ा भी मुझे ठीक लगा था, मतलब ठीक लगा, पकौड़े सबसे बेस्ट थे, ठीक है। अभी मैं आपको वो बर्गर दिखाता हूँ अगर आपने खाना हो तो, बाकी मैं आपको शॉप दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे, ठीक है। बाकी आपको शॉप यहाँ से क्या अच्छा लगा, बाकी झूले लेके भी मजा आया था, पर मैं वीडियो में सारा कंसंट्रेट था। पता क्या, झूले जब लेते हैं तो अच्छा लगता है, जब झूले ले हट के नीचे उतर जाते ना तो थोड़ा घबराहट सी होने लग जाती है ना, ये ऐसा क्यों ये नहीं मुझे पता, ठीक है। बल्कि फिर थोड़ी देर तक मन और तरह रहता है, ठीक है। बाकी अभी कई शॉपें बंद हो गई, शॉपें बंद हो चुकी हैं, और कई जो है शॉप्स खुली हैं, ठीक है। अभी मैं चल रहा हूँ आगे, मैं आपको दिखाऊंगा वही शॉप जहाँ हमें मैं बर्गर खाया, तो थोड़ा मेला भी दिखा देता हूँ। अभी रात के और संडे ही चल रहा है आज। सरताज भी मैंने आपको दिखा दिया, आई होप के सिंगर सरताज आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। जी आप क्या कर सकते हो, हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, ठीक है जी। जो डे मैं कवर कर रहा था ये कर रहा था, डे फोर कवर कर रहा था, ठीक है। डे फोर कह दिया, ये 16 है, 16 डे है, 16 डे है जी, डे 16 है, ठीक है। और ये आप शॉप्स देख सकते हो, कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा ऐसे शॉप्स की बनाऊंगा, ओवरऑल सारी शॉप्स की, ठीक है ना। मैंने खाए थे शॉप नंबर 35 के, उसकी खासियत मुझे यही लगी कि वो स्टफिंग जो थी वो पूरी स्टफिंग थी, 30 रुपये का बर्गर, 30 रुपये का हॉट डॉग, ठीक है। हॉट डॉग की भी स्टफिंग पूरी थी, मेन जो हम खाते हैं उसमें स्टफिंग रहती है, बाकी गर्म भी था, इन्होंने गर्म करके दिया अच्छे से। तो मैं बर्गर और आपको हॉट डॉग दिखाया था, मैंने दो चीज़ें खाई, दो अच्छी लगी मुझे, काफ़ी अच्छी लगी। तो चलो आपको एक बार शॉप दिखा देता हूँ, और 35 नंबर शॉप है, ठीक है। यहाँ आइसक्रीम उसक्रीम सारा कुछ मिल जाएगा। मैं बर्गर दिखा देता हूँ जो मैंने खाया था, ये भाई बैठा है, ठीक है। ये वाला बर्गर खाया था मैंने, 30 रुपये का दिया था, ये हॉट डॉग खाया था, ये भैया आपको मिलेंगे, ये भैया ने मुझे दिया था, और भैया का नाम, भैया नाम बताना, नाम राजू भैया मिले थे, ठीक है। हॉट डॉग गर्म करके दिया था ओवन में, जबरदस्त है भाई बैठा, मैंने नमकीन नहीं खाया था, मेरा पेट भर गया था, और मुझे भूख बहुत लगी हुई थी, मुझे बहुत बहुत भूख लगी हुई थी, तो मुझे भूख बहुत लगी हुई थी, और मेरा मात्र 60 रुपये में सर गया, ठीक है। लगी थी, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता था, वैसे तो मैंने पकौड़े ही खाने थे, पर मैंने कहा चलो बर्गर खा के देखते हैं। वैसे मुझे बर्गर पसंद नहीं है, इनका बर्गर खा के मुझे अच्छा लगा।
अच्छा लगा। जैसे कि अगर आपने खाया तो मुझे ओपिनियन दे देना अच्छा लगा या नहीं लगा, पर मुझे खासियत बर्गर की यही लगी कि जो स्टफ था वो फुल था, पूरा ए टू जेड तक मुझे स्टफ का मतलब जो फील आया ना वो ए टू जेड था। एक मिनट बैक कैमरा लो, आगे भी चल रही है वीडियो, अब बोल लो कुछ। नहीं नहीं भाई बस पियो 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 बस, अब चला लो फ्रंट कैमरा भाई। स्विमिंग बाय मनी भाई, तो भाई कह रहा था मेरी बना लो बना दी। तो फ्रेंड्स ओवरऑल आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए। आज जो मैंने बनाई है डे 1 2 3 4 पार्ट 4 में बनाई है, और डे एक ही था, चार वीडियो एक दिन में कवर की, छोटे छोटे पार्ट में मैंने इसलिए बनाई क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट में बना दी, जिसके कारण आपको देखने में आसानी है और मुझे एडिटिंग करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो बस आज का यही था, पूरी गीता जयंती में बस यही था। मैंने ओवरऑल नमकीन खाई, पापड़ खाए और वो पकौड़े खाए थे, फ़ोटो अच्छी लगी थी। अगर देखने में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगी वो फ़ोटो। हाँ, जो कटहल का हलवा था वो भी बढ़िया था, पर कॉस्टली था, पहुँच से बाहर था, 220 रुपये किलो, क्योंकि वो डब्बा 200 रुपये का था, 220 रुपये का, तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना खर्च करेगा। कटहल वैसे इतना महंगा होना नहीं चाहिए हलवा। तो चलो, जैसे वो इतने दूर से आए हुए थे उनको वैसे हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, तो थे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेते, पर अच्छा था उनका हलवा, अच्छा था। बाकी केले के जो केले के वो कहते हैं उसको लेस थे ना, वो 90 रुपये के पैकेट था। ठीक है, बस यही था। मैंने हलवा टेस्ट किया था, मुझे अच्छा लगा था, पर कॉस्टली लगा। ठीक है ना, बाकी 30 रुपये का बर्गर सही लगा, टिक्की इन्होंने बढ़िया बढ़िया डाली हुई थी, और हॉट डॉग भी सही लगा 30 रुपये का। तो भाई नेड़े आके फोन बज रहा है और नेड़े आ रहा है, बताओ ला। तो बस आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कल देखते हैं, मैं ई रिक्शा अगर मुझे मिल गया तो मैं ये सारी शॉप से एक बार आपको सॉरी ए टू जेड दिखा दूंगा। ठीक है, तो मुझे बताना कि ये कैसी लगी वीडियो 1 2 3 4 5। सतेंद्र सरताज मैंने कवर नहीं किया क्योंकि बच्चे को पेड़ से ट्राई, शायद लगता है मुझे इस वीडियो में शेर आ सकता है, अगर आ गया तो मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा डाल दूंगा। बाय। कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। ये है स्विमिंग बाय मनी मेरा चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसके ऊपर तो आप वीडियो देख रहे हैं। टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।